एक महीना का कंटेंट आपको ऐसा ही तैयार हो गया, तो कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है भाई, करने का साहस होना चाहिए। हर चीज पॉसिबल है, हर चीज आसान बनते चली जाती है। अंबानी के पास जो है ना कोई ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, वही 24 घंटा है। ये दूसरे के कहानी सुन करके जो ये रोआ खड़ा होता है ना कि भाई कितना स्ट्रगल करके आया, सब स्ट्रगल करके आते हैं, और बिना स्ट्रगल का ना कुछ मिलने वाला है नहीं, कुछ हासिल होने वाला है नहीं। हेलो माय डियर सब्सक्राइबर, मैं आतिफ असलम, मोटिवेशनल स्पीकर, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ बुक वाला। अगर आप भी खाना चाहते हैं कामयाबी खाने वाला, तो सब्सक्राइब कीजिए बुक वाला। एज यू नो डेट कि हमने वो सारी चीज डिस्कस कर दी है जो आपके लिए जरूरी है, लाइक डेट स्टूडेंट को कौन से चैनल ओपन करना चाहिए, लड़कियों को कौन सा चैनल ओपन करना चाहिए, हाउसवाइफ को कौन सा चैनल ओपन करना चाहिए। अब फाइनली बारी आ गई है कि भाई आपने बता तो दिया कि चैनल ओपन कौन सी करनी चाहिए, लेकिन चैनल को ऑपरेट करने के लिए, यूट्यूब पे वीडियोस बनाने के लिए हमको टाइम को मैनेज कैसे करना है, इस बारे में तो आपने बताया ही नहीं। तो कोई नहीं भाई, मैं इस वीडियो में लेकर के आ गया हूं आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाने वाला फॉर यूट्यूब वीडियो, कि आप कैसे टाइम मैनेज कर सकते हैं यूट्यूब के लिए। आपके दिल दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि भाई हम यूट्यूब करें तो क्यों करें, आखिर हम पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे खासे पढ़ाई कर रहे हैं, और आप हमें YouTube की तरह धक्का दे रहे हो, ढकेल रहे हो, तो आखिर हम YouTube करें तो क्यों करें। और जाहिर सी बात है, अगर आपके माइंड में व्हाई क्लियर नहीं है तो आप तो कैसे कोई काम को कर सकते हैं। तो व्हाई को क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम व्हाई क्लियर कर दें कि आपको यूट्यूब करना क्यों चाहिए। तो देखिए, यूट्यूब जो है ना एक ऐसा वाहिद प्लेटफॉर्म है जो आपको शॉर्ट टर्म में, यानी कि पिछले अगले 2 से 3 साल में आपको बहुत अच्छी बुलंदी पे पहुंचा सकता है। चाहे आप एजुकेशन ले रहे हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप जॉब हो, एम्प्लॉयमेंट हो, या फिर कोई भी हो, आपको अच्छा खासा लाइफस्टाइल दे सकता है 2 से 3 साल में, अगर आप इस पर काम किए तो। और एक बात, खास बात बताऊं, अगर आप स्टूडेंट हो ना या फिर बैचलर हो ना कुंवारे, तो मैं बता रहा हूं, ये डिजिटल जो दौर चल रहा है ना, डिजिटल का जो ट्रेंड चल रहा है, तो इसमें यूट्यूब का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि पहले का ज़माना कुछ और था, जो सरकारी नौकरी जिसके पास होती थी ना, शादी और रिश्ते अच्छे खासे उन्हीं के पास आते थे। लेकिन आजकल ज़माना डिजिटली होते जा रहा है, जिस बंदे के पास सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं ना, जो अच्छे खासे पोस्ट पे है, जो अच्छे खासे दुनिया को दिखा रहा है कि हाँ मैं एक्चुअल में ये चीज़ें हूँ, उसके पास 110% चांसेस है ज़्यादा हद तक कि रिश्ते अच्छे खासे आएँ, या फिर लड़कियाँ उनकी इज्जत करें या फिर इम्पोर्टेंस दें। तो अगर आपको अगर अच्छे खासे लाइफस्टाइल, अच्छे खासे रिपोटेशन और अच्छे खासे क्या कहते हैं ना, वो लाइफ मैनेजमेंट अगर करनी है, तो आपको यूट्यूब पे आना या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक प्लेटफॉर्म पे एक बेस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपका व्हाई आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और सबसे पहली बात है कि फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम होंगे ना, वो सारे हट जाएंगे। तो सबसे पहला व्हाई तो यही क्लियर हो जाता है कि फाइनेंशियली आप फ्री हो जाएंगे अगर आप सोशल मीडिया पे अच्छे खासे प्लेटफॉर्म पे मतलब बिल्ड कर लेते हैं, अगर आप फॉलोअर वहां से इनकम जनरेट कर लेते हैं। तो अब बात करते हैं कि भाई हम यूट्यूब के लिए टाइम मैनेज कैसे करें। तो यूट्यूब के लिए टाइम मैनेज करने के कोई ज़्यादा झंझट वाली बात नहीं है। मैं एक स्टूडेंट को लेता हूँ जिसका नाम है मुन्ना। क्या नाम है इसका? मुन्ना। इसको मैं सोकर उठने से सोने जाने तक का इसका लाइफ में देखता हूँ, ठीक है। इसका लाइफ में होता क्या है, सुबह सो करके उठा या ब्रश किया, ठीक है, ब्रश करके नहाया धोया, मतलब बाथिंग ले लीजिए, टोटल इसमें आ जाता है बाथिंग किया, ठीक है। बाथिंग करने के बाद में ये फ्रेश होकर के नाश्ते वगैरह ब्रेकफास्ट कर लिया, क्या ब्रेकफास्ट, इसका हो गया। जब ब्रेकफास्ट हुआ तो इसके पास क्या है, मुन्ना के पास 5 से 6 सब्जेक्ट हैं जो कि उसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि वो स्टूडेंट है। तो इसका जो कॉलेज का लेक्चर है ना या फिर इंस्टीट्यूट का टाइम है ना, तो मान लीजिए कि इसका 3 सिलेबस है एक दिन में, जिसके लिए ये 2-2 घंटे दे रहा है, 2 घंटे एक इंस्टीट्यूट में, 2 घंटे एक इंस्टीट्यूट में, और 2 घंटे एक इंस्टीट्यूट में, ठीक है। कितना हुआ, ये हुआ हमारा 6 घंटा हुआ, अभी बचा 18 घंटा, यानी 24 घंटे में से अभी बचा 18 घंटा। तो ये क्या किया, सुबह में 6 बजे उठा, 6:30 में बाथिंग किया और ब्रेकफास्ट किया 7 बजे, 7-9 यानी कि 7 से 9 क्लास है, तो 2 घंटा ये ले लीजिए, और 7-6 13 यानी कि 1 बजे तक इसका इतना काम फाइनल हो गया, 1 बजे तक इसका इतना काम फाइनल हो गया, यानी कि इंस्टीट्यूट का आधा झंझट खत्म हो गया इसका। अब शाम के 2 ट्यूशन बस जा रहे हैं इसका, 6 बजे से लेकर के 6 बजे तक और फिर 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक, ठीक है। ये दो ट्यूशन इसके बस जा रहे हैं। इसके बीच में जो ये जो गैप मिला ना 3 घंटे का, ये 3 घंटे का जो गैप मिला ना, इस बीच में ये अपना जो होमवर्क है उसने वो पूरा कर लिया मुन्ना ने क्या किया, इस बीच में ये अपना होमवर्क जो है वो पूरा किया 3 घंटे के लिए। अब 8 बजे वो ट्यूशन से लौटा,
8 बजे ट्यूशन से लौटा, 8 बज के 1 घंटा ले लीजिए खाना पीना में, खाना बनाने उनाने में 1 घंटा, यानी कि 9 बज गया टोटली। टोटली इसके पास क्या हो गया, 9 बज गया। 9 बज गया तो 9 बजने के बाद ये अब करेगा क्या, तो 9 बजने के बाद पढ़ने बैठेगा, ठीक है। 2 घंटे स्टडी कर लिया, सेल्फ स्टडी करने के बाद 2 घंटा ये बज गया 11। 11 बज गया तो 11 बजे के बाद ये करेगा क्या, मोबाइल चलाते उलाते तो ऐसे ही 12 बज जाते हैं। जो 2 घंटा आप मोबाइल रील्स देखते हो ना इंस्टाग्राम पे या फिर जो कुछ भी करते हो प्लेटफॉर्म पे जा करके, जो 2 घंटा वेस्ट करते हो उस 2 घंटे में आप वीडियो शूट करेंगे। आप कहेंगे कि भाई वीडियो शूट करने के लिए स्क्रिप्ट तैयार कब करें, तो आपको पर डे वीडियोज नहीं डालने हैं, आपको वीकलीज वीडियो डालने हैं। संडे का जो आपके पास टाइम बच रहा है, क्या बच रहा है, संडे का ये जो टाइम बच रहा है आपका, इस टाइम में आपको स्क्रिप्ट तैयार करना है। 2 से 3 स्क्रिप्ट तैयार कर लेंगे, 2 से 3 स्क्रिप्ट तैयार करेंगे। संडे में आप फ्री हैं तो कुछ ही सेल्फ स्टडी किए, खाना वाना खाए, और उसके बाद 2 से 3 स्क्रिप्ट तैयार करके ये तीनों उसी दिन शूट कर लिए। 1 स्क्रिप्ट छोड़ दिए हमारा एक दिन के लिए, नाइट में शूट कर लिए, यानी कि 11 से 1 बजे तक के लिए 1 स्क्रिप्ट छोड़ दिए, यानी कि 4 स्क्रिप्ट हमने टोटल करा था। कितना स्क्रिप्ट करा था हमने, इधर देखो, 4 स्क्रिप्ट हमने लिखा था, जिसमें से 3 हमने उस दिन शूट किया संडे के दिन में, ठीक है, और 1 हमने शूट किया कब, 11 से 1 बजे के रात में। अब हमारा 4 वीडियोस तो तैयार हो गया, वीकलीज वीडियो डालने हैं आपको 7 × 4 = 28, 1 महीना का कंटेंट आपको ऐसा ही तैयार हो गया भाई, 1 महीना का कंटेंट ऐसे ही तैयार हो गया 7 × 4 = 28, यानी कि 4 वीडियो आपको 28 दिन में आएंगे। 1 महीना का कंटेंट तो आप ऐसे ही तैयार कर लिए, तो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है भाई, करने का साहस होना चाहिए। हर चीज़ पॉसिबल है, हर चीज़ आसान बनते चली जाती है। अंबानी के पास जो है ना कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, वही 24 घंटा है, हमारे आपके पास वही 24 घंटा है, सब किसी के पास वही 24 घंटा है। ये दूसरे के कहानी सुन करके जो ये रोआ खड़ा होता है ना कि भाई कितना स्ट्रगल करके आया, सब स्ट्रगल करके आते हैं, और बिना स्ट्रगल का ना कुछ मिलने वाला है नहीं, कुछ हासिल होने है नहीं, तो सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। अगर आप चैटिंग कर रहे हैं ना 2 घंटा 11 से 1 में, तो इसकी सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। अगर आप मूवी देख रहे हैं ना, तो इसकी सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। अगर आप ड्रामे देख रहे हैं ना, तो इसकी सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं ना, तो इसकी सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। गंदे संदे फिल्में देख रहे हैं ना, तो इसकी सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। सैक्रिफाइसेस जरूरी है, टाइम आपके पास है करने के लिए, आपके पास टाइम है, बस उसको सैक्रिफाइस करना है, रिप्लेस करना है किसी और चीज से। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक बार फिर से कहूंगा कि अगर आप भी खाना चाहते हैं कामयाबी खाने वाला, तो सब्सक्राइब कीजिए बुक वाला।